आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए। नमस्कार। पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि मालक छत्रपति है पर चालक तो उनके पेशवाई हैं। लीजिए शरबत तो शर्माइए। शुक्रिया, हम केवल आपके मीठे शब्द सुनने आए। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दखन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, बाकी तो बिना गुठली के आम है। बहुत खूब, आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती है और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है। आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है। फिर भी आप हमारे चुंगल में फंस गए। वादा करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे। हमारी ही छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। कैद कर लो इसे। हमने कहा इसे कैद कर लो। कमाल है, हमारे आदमियों से ही कह रहे हैं कि हमें कैद कर लो। आपने जो आदमी भेजे थे हमें लेकर आने के लिए, उन्हें शायद हमारा शामियाना और पसंद आ गया, वहीं के वहीं रह गए। ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है। 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या है? पूरा हिंदुस्तान। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्कन में आप खामोश रहेंगे। मंजूर है। दूजा, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी है वो छत्रपति शाहू को आप वापस लौटाएंगे। मंजूर है। और तीसरा, जब हम आपकी तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाएंगे तब आप दुश्मनी भूल के हमें गले लगाएंगे। मुबारक हो हमारी ईदी। क्या हुआ? ऐसा लगा पेशवा ने हमें पुकारा। ये आपका वहम है भाई साहब, वो यहाँ क्यों आएंगे? निजाम से जीते हैं तो पहले शनिवार वाड़ा जाएंगे ना। आप भी ना। क्या बचपन है राव? आपके इश्क का असर है मस्तानी साहिबा। पेशवा को जीत मुबारक हो। और आपको ईद मुबारक हो। बात है मस्तानी साहिबा, आज आपके चेहरे पर कमाल का नूर दिख रहा है। आपके आने का नूर? जैसे सूरज आने से पहले आसमान में दिखता है, ये वैसा नूर है। अब आने वाले बच्चे का नाम भी सोचना पड़ेगा। ऐसा वो शनिवार वाड़ा से मां साहब का संदेश आया है। क्या लिखा है? आज रात शनिवार वाड़ा में पेशवा की जीत का जश्न होगा। मस्तानी बाई को हुक्म है कि वो इस मौके पर आकर महफिल में अपना नाच पे। मस्तानी साहब, आप इस वक्त शनिवार वाड़ा से पहले कोई और देख लेता शायद आप जिंदा नहीं रहती।
अगर हम आपको एक पल और नहीं देखते तो वैसे भी हम जिंदा नहीं रहते। मतलब अब तक हमारा कोई संदेशा नहीं पहुंचा। शनिवार वाड़ा की दीवारें हमारे लिए अब और सख्त हो गई, फिर भी आप हम तक पहुंच गए। इश्क को कौन रोक सकता है मस्तानी? कृष्णा जी भट्ट, प्रणाम महाशय। आपने कैसे जान लिया श्रीमान? एक योद्धा को हर घड़ी चौकन्ना रहना पड़ता है, दुश्मन ना जाने कब पीछे से वार करे। राघव प्रणाम करो महाशय। शमशेर प्रणाम करो। रहने दो। राव कृष्णा जी भट्ट पूछने आए हैं कि पंचमी का मुहूर्त कैसा रहेगा प्रायश्चित के यज्ञ के लिए। कैसा प्रायश्चित? वही जो आप हर युद्ध की बात करते हो, युद्ध में मारे गए निर्दोष सिपाहियों के शांति के लिए। 2 साल हो गए ये कार्य नहीं हुआ। ओ बराबर, अब ये कार्य नहीं होगा। ब्राह्मण होकर आप मना कर रहे हो? हम जन्म से ब्राह्मण हैं, कर्म से क्षत्रिय। ये प्रायश्चित आत्मा की शुद्धि के लिए जरूरी है। चलो ठीक है, करते हैं आत्मा की शुद्धि। हम मस्तानी साहिबा को शनिवार वाड़ा लाकर उन्हें भी पत्नी का दर्जा देते हैं, वही हमारा प्रायश्चित होगा। गर्व होता है हमें राव कि तुम हमारे बेटे हो। सम्मान देना आता है औरत, पर जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। शक्य नहीं बड़ा। सप्तमी के दिन हम मस्तानी को शनिवार वाड़ा लाएंगे। अगर उस औरत ने शनिवार वाड़ा में कदम रखा तो सारा ब्राह्मण समाज पेशवा परिवार का बहिष्कार करेगा। हमारा घर, आज से लोग इसे मस्तानी महल के नाम से जानेंगे। बंद! अप्पा! चिमा जी! लगता है आपके आने की खुशी में सब चले गए। चीमा जी और अंबाजी पंत वसई की मुहिम पर गए हैं, माँ साहेब यात्रा पर गई हैं, तो पेशवाई का भार इस घर की बहू पर आता है। इस नाते श्रीमंत, हम आपका और आपके मेहमान का स्वागत करते हैं। या राहुल,
आपने हमारा मान रख लिया पेशविन भाई, दिल का बोझ हल्का हो गया। श्रीमंत पेशवा को एक बात का ख्याल रहे, ये स्वागत सिर्फ इस चौखट पर हुआ है, दिल में नहीं। श्रीमंत मां साहब आ गए हैं। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद खलीता भेजकर गुनहगारों की तरह बुलाने की क्या जरूरत थी? जब दीवारों से ज्यादा दूरी दिलों में हो जाए तो छत नहीं टिकती। बरे बरे समझ लो, बुलाया क्यों है, अपराध क्या है? कृष्णा भट्ट, एक अपराधी को बचाने का अपराध। आप मां साहब से इस तरह बात नहीं कर सकते श्रीमंत। और तू? तो पेशवा से ऐसे बात कर सकता है श्रीमंत? संगयाल, हर बार मेरा निशाना चुकेगा नहीं। राहुल आप नहीं, आपके सर चढ़कर बुंदेल की सौगात बोल रही है। तो तुम्हारे सर पर भी चढ़ी है। तुम्हारी पगड़ी में सिर्फ छपन नहीं तो बुंदेल की सौगात है, तुम्हारे गले में यह पन्नों का हार है तो बुंदेल की सौगात है। नहीं मंजूर है बुंदेल की सौगात, तुम निकालो। ये अपलन है, ये अपलन है। बुंदेल की सौगात चलेगी बेटी नहीं, मस्तानी रखेल बनकर रहे चलेगी पत्नी नहीं। पर याद रहे मां साहब, बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, आयाशी नहीं। कहां से लाती है आप इतनी नफरत मस्तानी के लिए? सीधी बात है, पेशवाई के खून में किसी और के खून की मिलावट नहीं चाहिए, बस। वो तो हो चुकी, अब तेज तर मुसलमानों से लड़ते हो और मुसलमान लड़की से प्यार कर बैठे हो। हमारी लड़ाई उनके धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई मुगल सल्तनत से है। अच्छा मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ आपसे, बाजीराव पेशवा रहे तो मस्तानी के साथ रहिए, वरना ना रहे, मंजूर है? नहीं। श्रीमंत, संदेश आया है कि निजाम के बेटे नासिर जंग ने बगावत कर दी है। तो उसने गोदावरी पार कर ली श्रीमंत, और वो शाहगढ़ की ओर बढ़ रहा है। तो लगता है श्रीमंत नशे में है। तो कौन नहीं है नशे में? सब नशे, सब नशे। दौलत का, धर्म का, ताकत का वो प्रतिनिधि कृष्णा भट्ट सब नशे में है। नशे में हम इसके नशे में है। पैर लड़खड़ा रहे श्रीमंत, पैर लड़खड़ा रहे, पर देखो ये तलवार अभी भी स्थिर है। मरता मर रहा बगा। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, ये लड़ाई जीतना बहुत जरूरी है पेशवा। अब हम पेशवा नहीं रहे, पर हमारे सेनापति तो है। अब हम सेनापति भी नहीं रहे। जब आप घोड़ा चलाना सीखते थे तो उसके साथ हम भी दौड़ते थे, जितना पसीना आपके घोड़े ने बहाया उतना हमने भी। ये मल्लार राव कितनी जंगे लड़ी आपके साथ, कितने घाव झेले सिर्फ आपकी जीत के लिए। ये तुको जी जिसने कई बार जख्मी हालत में दिन रात जाग कर आपकी सेवा की। सेनापति ऐसे ही नहीं बनते श्रीमंत। और आज जब दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहे, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि हम सेनापति नहीं रहे। यह न पंद्राव ने मस्तानी को दिल जरूर दिया है, पर सासे हमेशा वतन की नामी थी।
अगर जीत का भगवा एक और बार भी ले रहा है ना, तो उस पर हजारों बाजीराव हजारों मस्तानी कुर्बान। ऐलान कर दो पूरी पेशवाई में, भड़वा के दिन बाजीराव युद्ध पर निकलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कमाल है, पाड़वा के दिन लोग दीप जलाते हैं, तुम बुझा रही हो। अपने अपने आने की खबर नहीं दी? खबर क्या देनी, हम अभी भी पेशवा हैं। नहीं मंजे, इतने दिनों से आए नहीं ना आप। जग में खो जाने वाले तो कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से नहीं मिलते। असो युद्ध पर जा रहे हैं, आरती नहीं उतारोगी, तुम घर की बड़ी बहू हो। साजो श्रृंगार से तो लगते ही है। ये सुदासी, जरा आरती की थाली लेकर आना। या बसा, हमने तुम्हें अकेला कर दिया ना काशी। अकेले कहाँ श्रीमंत, दिन भर इस पूरे शनिवार वाड़ा के काम को संभालते हैं और शाम को राघो बा को लेकर कीर्तन सुनने जाते। कल तो स्वामी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, आपको भी सुनाते या नहीं थे? बसा हाँ, तो स्वामी जी बता रहे थे कि कृष्णा और रुक्मणी का संवाद चल रहा था। रुक्मणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। क्यों? कृष्णा ने भी यही सवाल किया, क्यों? रुक्मणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। काशी तुम हमारे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी ही मस्तानी। कृष्णा ने भी यही कहा था। हमने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की। जे हो, उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। हमने आपके साथ रासलीला जो नहीं रचा। तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी। पराए लोगों से क्या शिकायत करनी, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। हमारी वजह से अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा है, जो भी सजा देना चाहो हम हंसते हुए ले लेंगे। सजा नहीं, आज तो हम आपको खुशी देंगे। मर्जे, आज के बाद आप इस कमरे में फिर कभी नहीं आएंगे। राम, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? जिस दिन से इस पेशवाई की बहू बनकर आए थे, आपकी खुशी की कसम खाई थी, बस उसे निभा रहे हैं।